जिस तरह साउथ की फिल्में हों या हिंदी फिल्में हों, जी हाँ, इनका कारोबार साल के हिट या फ्लॉप पे ही डिसाइड होता है। ठीक उसी तरह हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का कारोबार भी इसी पे डिसाइड होता है। हिट या फ्लॉप से एक्टर बनते हैं और उनके कैरियर मिट भी जाते हैं। खैर, आज हम आपके सामने भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे हीरोज़ की बात करने वाले हैं जिन्होंने भाई हिट और फ्लॉप के हर एक आंकड़े को छूते हुए भी अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि और अपने स्टारडम में कोई कमी नहीं की है। ये तीनों स्टार हैं हमारे पवन खेसारी और निरहुआ। आपको हम आज बताएंगे कि कितनी फ्लॉप्स और कितनी हिट इन्होंने अपने कैरियर में दी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, आज इन्होंने, इन तीनों ने इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्रिएट कर ली है कि भाई आपसे ये कहना कि इनके हिट्स और फ्लॉप से इनके स्टारडम को कोई फ़र्क पड़ता है, तो भाई यहाँ ये कर सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप हिट हैं, एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप तीनों का स्टारडम, यानी इन तीनों का जो स्टारडम है, इतना तगड़ा है कि अब शायद ये इनसे परे हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस नंबर 3 पर हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अब तक अपने फिल्मी करियर में 60 से भी ज़्यादा फिल्में कर ली है और इन 60 फिल्मों में उन्होंने 15 फिल्में सुपरहिट दी हैं, तो वहीं 10 फिल्में एवरेज की रही हैं, यानी ना वो फ्लॉप रही हैं ना ही वो हिट रही हैं। लेकिन भाई 35 फिल्में इन्होंने 35 फिल्में फ्लॉप दी हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा ही है हिट फिल्मों के मुकाबले, लेकिन क्या आपको लगता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के स्टारडम में कमी आई है? भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, जो पोजीशन दूसरे नंबर पर है खेसारी की, कुछ ही सालों में ये फर्स्ट पोजीशन पे भी होंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है। खेसारी लाल यादव ने पवन और निरहुआ से लेट अपना कैरियर स्टार्ट किया, लेकिन उनके हिस्से में औसतन हिसाब से देखा जाए तो फिल्में हिट ज़्यादा आई हैं। तो भाई यहाँ उनके अगर फिल्मों की बात की जाए तो लगभग 50 फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। जी हाँ, 2020 तक के आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं, लगभग 50 फिल्में कर चुके हैं। उसमें से भी खेसारी की 50 फिल्मों में से उन्होंने तकरीबन 17 फिल्में सुपरहिट दी हैं। जी हाँ, 17 फिल्में उनकी सुपरहिट हुई हैं और लगभग वही उनकी 12 फिल्में औसत हिट रही हैं। जी हाँ, ना वो हिट रही हैं ना वो फ्लॉप रही हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इनकी बाकी बची फिल्मों की, तो 21 फिल्में उन्होंने फ्लॉप दी है। जी हाँ, 21 फिल्में इनकी फ्लॉप हुई हैं। अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की, तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के गानों ने भी काफ़ी धूम मचाया है। आज गानों की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ फिल्मों की बात करेंगे। 82 फिल्में इन्होंने कर ली है। जी हाँ, 82 फिल्में कर ली है, 21 हिट हुई हैं, सुपर हिट हुई हैं, 11 फिल्में इन्होंने भाई एवरेज दी हैं, ना हिट ना फ्लॉप, यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पैसे निकल आए हैं। लेकिन और अगर आप फ्लॉप फिल्मों की बात करेंगे तो भाई 50 फिल्में इन्होंने फ्लॉप दी हैं। जी हाँ, 50 फिल्में इनकी फ्लॉप हैं और 21 सुपर डुपर हिट हैं, 11 एवरेज हैं। और इस आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो पवन सिंह पहले पायदान पर हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैरियर की शुरुआत की बात करें तो भाई कैरियर की शुरुआत पवन सिंह और निरहुआ ने खेसारी से तकरीबन 3 से 4 साल पहले की थी, यानी 2008 में उन पवन सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत की है, तो वहीं पर 2011 में खेसारी लाल यादव ने की है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर आंकड़ों की बात की जाए, तो भाई पवन सिंह नंबर 1 हैं, लेकिन ये आंकड़ा हो सकता है जल्द से जल्द खेसारी लाल यादव छू जाए। तो भाई यहाँ पर बिजनेस का खेला है, जो ज़्यादा कमाई करके देगा अपने फिल्मों के माध्यम से
वो भोजपुरिया सुपरस्टार का ताज पहनेगा। तो इस वक्त ये ताज अगर बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो पवन सिंह के पास है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।